क्या चेंज कर रहा हूं मैं, मान लो आपका सूर्य 12 में बैठा है, वो क्या साउथ ईस्ट है। अब आप बोलो जी कि यहाँ पे तो रोशनी भी नहीं आ रही, या तो धूप भी नहीं आ रही, या तो मेरा सूर्य को इस्वान भी रखा हुआ। लेकिन अगर सूर्य आपको 11 में प्रोमिनेंट रिजल्ट दे रहा है, कैसे वह चलेगा? दो चीजों से, एक तो 11 में रोशनी होगी, धूप होगी, सूर्य का समान हो सकता है, और एक तो ये निशानी मिली। दूसरा, आप देखोगे प्रोमिनेंटली सूर्य आपका भावचरित कुंडली में 11 से ऑपरेट करता हुआ पाया जाएगा। तो यहाँ पे जब आपने कहता ना भावचरित को कैसे लगाए या D1 लगाए, भावचरित देखे, क्या देखे, आपके घर का आपका वास्तु आपको ये बता देगा। साथ में एक और निशानी है, ये पहले भी बताई है, ये भी एक निशानी है कि आपका कौन सा ग्रह किस जगह से ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको हेल्प मिल जाएगी इससे। अब आपके जिस जिस लोगों का जो जो सूर्य जहां जहां बैठा वहां वहां नाप के देखो, अभी अभी एंड टू एंड देख लो, दो चार एग्जाम्पल बता दो फटाफट क्विक। मेरा दूसरे बैठा में है और बोलो, चलित में सिक्स्थ लगन में हाउस। आता है। मेरा चलित में लगन में आता है। तो जुपिटर राहु एक दोनों नंबर एकदम में, एक बराबर नंबर में जो, एक नंबर में सूर्य यानी कि पूर्व का सूर्य, अभी है। यहाँ पूर्व का सूर्य पूर्व के सूर्य आपको जो धूप पूर्व से आएगी, रोशनी पूर्व से आएगी, हाँ हाथी है। ठीक है, धूप रोशनी पूर्व से आएगी, अनाज का कुछ सामान पूर्व के अंदर हो सकता है, या पूर्व जो मैंने सूर्य की चीजें बताई हैं वो चीजें सूर्य की आपको पूर्व से लेट करने को मिलेंगी। ठीक मिलेगी सर। सर इसमें एक चीज सर, ये और ना, आठवें भाव में सूर्य है पर मेरे यहाँ पे दक्षिण से कोई लाइट नहीं आती, मतलब रोशनी नहीं आती है। दक्षिण से एक मिनट रुके, सूर्य दक्षिण से घूमता है, आपने बोला दक्षिण में आपका डोर है अभी बोला, हाँ एंट्री है। नहीं तो वहां से रोशनी या धूप नहीं आएगी क्या? सर वो बिल्कुल अंदर है ना, तो उससे से हवा आती है और रोशनी रोशनी आती है, धूप नहीं आती। अच्छा रोशनी हमारे वैसे रोश धूप नहीं आती है, नॉर्मल है वो। सूर्य की मूवमेंट साउथ से होती है, सूर्य की मूवमेंट। आएगी आएगी धूप नहीं आती अच्छा है, अच्छा ठीक है, सूर्य कहीं और जा रहा है क्या? ऐसे सी में जाता है। अरे नहीं बाबा, भावचरित में कहीं और जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, 7वें या 9 में जा रहा सूर्य? नहीं 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 जा रहा सर। नहीं तो नहीं जा रहा, तो फिर आपको 8 के अंदर सूर्य की चीजें मिलेंगी वहां पे, आप ढूंढ लो। सर, मेरा 6 में सूर्य है लेकिन हाँ, भावचरित में 5वें में जा रहा है। 5 हजार तो पूर्व की दीवार पे, पूर्व की दीवार पे सरकारी चीजें, पूर्व की दीवार से रोशनी, सूरज, पूर्व सूरज तो है पूरब की दीवार पे, पूरब से। ठीक, हाँ रोशनी पूर्व, सकार, सकार से संबंधित, आप तो सरकारी आदमी रहे हो वैसे ही, फिर तो सूर्य है ही आपका तो पूर्व का। लेकिन ऐसा भी 6 नंबर से हमारा कुछ नहीं है जिस, वहां, नॉर्थ में। नॉर्थ में कुछ नहीं है सूर्य का, तो नॉर्थ की जरूरत क्या थी? नॉर्थ में कौन बोला? नॉर्थ में आपने 6 नंबर में बैठा हुआ है ना वैसे तो। अरे तो यही तो निशानी है सर जी, यही तो मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लाल किताब निशानियों पे चलती है, लाल किताब को पढ़ने का तरीका निशानियां है उसकी। सर ऐसा भी है ना कि जिस घर में सूर्य होगा वो मतलब फेसिंग मकान की उसी तरफ होगी साथ में ये। हाँ वो भी हो सकता है, फेसिंग जहां पे होगी वहीं से तो धूप और रोशनी पड़ेगी ना उसकी दुकान मकान पे। हाँ तो मतलब मोस्टली जिसका मतलब सूर्य जिस हाउस में होगा उसी डायरेक्शन में फेसिंग मिलेगी चंद्रमा, उसके चंद्रमा को घर देख लेते हैं अभी जरा। को। ओपन चंद्रमा, चंद्रमा क्या? पानी का साधन, पानी का समान, ठीक है, पानी या पानी का स्रोत, हर प्रकार का चंद्रमा। तो था। चंद्रमा की चीजें, चंद्रमा की चीजें, चंद्रमा की चीजें जैसे पानी, चांद, माँ, घोड़ा, पानी, धूप, आपने घोड़े की फोटो लगा रखी है, खरगोश, ठीक, माँ मा,